नमस्कार, आप सभी का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं राजीव महिंद्रा आप सभी का वेलकम करता हूं। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे दोस्तों, सभी लोगों को स्वागत है इस सेशन में। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि आरबीआई अटेंडेंट पे कुछ सेशंस में लेके आऊँगा, तो याद रखना मैं टोटल 5 सेशंस लेके आऊँगा। और आज पहला सेशन, यानी एग्जाम से पहले हम लोग कम से कम 5 सेशन के माध्यम से सारी चीज़ों को कवर कर दूँ। ओके, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, सत श्री अकाल, राधे राधे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जल्दी से एक ही काम करता हूँ, जल्दी से बस धीरे से लिंक को कॉपी करना है, जल्दी से लिंक को कॉपी करना है। और जहाँ जहाँ तक हो सकता है लिंक को क्या करना है दोस्तों, शेयर कर देना है। बस इतना काम आपका है, बाकी काम मेरा है, यानी शेयर और साथ में लाइक तो बनता है दोस्तों। ओके, तो बेटा एक बार देख ले जल्दी से कि कौन लोग जुड़ चुके हैं। उन सभी को भाई गुड मॉर्निंग। बेटा रोजी परवीन गुड मॉर्निंग, उन्द्रिला दास गुड मॉर्निंग, प्रकृति बेटा गुड मॉर्निंग, हितेश यादव गुड मॉर्निंग, सभी को भाई गुड मॉर्निंग। मुझे एक बार जरा बता दो कि माई वीडियो एंड वॉइस बोथ आर द ओके, मेरी साउंड सही है, सभी लोग मुझे एक बार कंफर्म भी कर दो। जगदीश तिवारी जी बेटा, एंजल साखिया, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। जो भी लोग जुड़े हैं आज फर्स्ट टाइम, बस उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आज का सेशन बड़ा खास है उनके लिए जिनका एग्जाम है आरबी अटेंडेंट का। अभी टाइम है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में एग्जाम है, ठीक है। ओके, गुड मॉर्निंग भाई, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। मेरा वॉइस ओके है, मुझे एक बार बता दो जल्दी से सर, मेरा साउंड ओके है टू एवरीवन, ऑडिबल है, कहीं कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो ओके, तो आज का सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि आज बड़ा प्यारा सा मोटिवेशन कोड। देखिए जरा आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, बड़ा ही शानदार, थोड़ी सी एनर्जी आएगी। जिंदगी अगर खेल है, जिंदगी अगर खेल है तो इसे जीतने का बस एक ही तरीका है, मेहनत, हार्ड वर्किंग। कहते हैं ना, यह जिंदगी बड़ी रुवानी सी है, मज़ा नहीं आ रहा है लाइफ, तो बड़ी ही मज़ेदार लाइफ जिंदगी होती है दोस्तों, याद रखना। बस इसे आप इंजॉय करिए, कहते हैं बस आप इसे इंजॉय करिए, देखिए लाइफ कितनी प्यारी लगेगी। ओके, तो मुझे बताओ सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ गए हो कि नहीं जल्दी से, और जल्दी से मुझे बताओ #selection21 लिख के कि यस सर आप रेडी हैं, मुझे बताओ जरा जल्दी से। यस बेटा एंजल साख्या, याद रखना इंडिया में कोई भी एग्जाम होता है एक्सेप्ट आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर और नाबार्ड, उनके अलावा सारे सेशन में ये बैंक का सेशन बेटा काम करेगा, ठीक है एवरीबॉडी। ओके, तो जिंदगी इंजॉय करिए, मुझे बताइए सभी लोग रेडी हैं। और हाँ, आज कोशिश ये करिएगा आप लोग लिखिए भी, लिखने से क्या होता है ना, डेटा याद रहता है। कहते हैं जब भी कभी याद करने का मन करे ना तो बस लिखिए। और ये रहा बहुत आसान सा पहला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर क्या है, मुझे बताओ जरा जल्दी से व्हाट इज द बेटर राइट आंसर। बेटा सर जो लोग अभी जुड़े उन सभी को अगेन गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे दोस्तों, एकदम जुड़ जाइए, इंजॉय करिए आज का सेशन, बहुत ही शानदार है। जो पुराने बंदे हैं वो रिवाइज होगा, जो नए बंदे हैं जरा समझिए कि क्वेश्चन हम लोग कैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी हैज पार्टनर विथ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट फॉर PMJAY सेहत, यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रिलेटेड कौन सी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जो जम्मू कश्मीर इंश्योरेंस कंपनी में जम्मू कश्मीर के साथ कोलैबोरेट किया, मुझे बताओ जरा आंसर। यस बेटा गुड मॉर्निंग शुक्ला जी, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग भाई गुड मॉर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सी किस बीमा कंपनी ने जम्मू कश्मीर सरकार के साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात कर रहे हैं, जन आरोग्य योजना, यानी देखो यहां से क्या क्या है, कहां पर हो रहा, तो हम कहेंगे जम्मू कश्मीर में हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। कौन सी कंपनी के साथ हो रहा है, तो हम कहेंगे द आंसर इज कॉल, उसका नाम है बजाज एयरलाइंस जनरल इंश्योरेंस के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है। और याद होगा आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस देती है गवर्नमेंट पूरी फैमिली में, जितने भी मेंबर हो डजंट मैटर, और वो एक पार्ट क्या है PMJAY यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो मुझे जरा जल्दी से बताओ कि जो जन आरोग्य योजना है कौन से ईयर, मुझे बताओ जरा जल्दी से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कौन से ईयर में और कहां पर, यानी कि कौन से प्लेस में ये स्टार्ट हुआ था। याद रखना आयुष्मान योजना का ही एक पार्ट है जिसमें 5 लाख रुपए का फैमिली को इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, मुझे बताओ जरा जल्दी से बेटा। और बेटा प्रकाश दुबे जी गुड मॉर्निंग, तो सभी लोग ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। बेटा SSC में भी करंट अफेयर आता है सुदीप्ता, याद रखना SSC के एग्जामिनेशन में, याद रखना आपको वहाँ भी बेटा करंट आता है, तो कहीं ना कहीं याद रखना जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं SSC के, चाहे मैं बात करूँ MTS की, मैं बात करूँ CGL की, तो याद रखना बेटा उसमें भी इस सेशन से आपको हेल्पफुल होगा। ओके,
तो याद रखना, रांची में कहाँ स्टार्ट हुआ था बेटा? रांची में स्टार्ट हुआ था, और कब स्टार्ट हुआ? 2015। वेरी नाइस, बहुत ही शानदार। चलो जरा देख लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा डिटेल में देख लेता हूँ जल्दी से इसके बारे में। अगर मैं बोलूँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, एक सेहत स्कीम है। जरा समझना ध्यान से, इसका फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेहत स्कीम दिसंबर 26 को लॉन्च हुआ था। कहाँ पर लॉन्च हुआ था? जम्मू एंड कश्मीर में। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सेहत स्कीम स्टैंड फॉर, जरा समझना, सोशल इंडीवर फॉर हेल्थ एंड टेली मेडिसिन। कभी कभी एग्जाम में देखना होगा, आपने देखा होगा, फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं आप फुल फॉर्म को इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो सेहत का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पर? सोशल एंडीवर फॉर हेल्थ एंड टेली मेडिसिन, ए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर द यूनियन टेरिटोरी द डिपार्टमेंट टर्म, इट इज़ ए हिस्टोरिकल मोमेंट फॉर द स्टेट। यानी यहाँ से देखो क्या क्या निकला। पहला, कौन सी कंपनी है? तो हम कहेंगे बजाज अलायंस कंपनी है। दूसरा, कौन सी योजना है? तो हम कहेंगे पीएम जन आरोग्य योजना है। तीसरा, ये कब लॉन्च हुआ? लास्ट ईयर लॉन्च हुआ। और इसका फुल फॉर्म क्या है सेहत का? तो हमें ये भी देखना होगा। ओके, चलो, वेरी नाइस। अगला, बहुत ही फेमस व्यक्ति थे बूटा सिंह, पता होगा आपको, बहुत फेमस पार्टी से बिलोंग करते थे। वेरी नाइस निधि, गुड, आपके झारखंड से स्टार्ट हो गया। बहुत फेमस है बूटा सिंह, आपको बताना है कि कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज का जो सेशन है ना, याद रखना, मैंने आरबीआई अटेंडेंट पे 5 सेशन लेने का वादा किया था, ठीक है? उन 5 सेशन में याद रखना, मैं करीब, याद रखिएगा, करीब हम लोग 250 क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है? 250 क्वेश्चन को कवर करेंगे, और एग्जाम से पहले मैं एक मैराथन भी लेके आऊंगा, ये मेरा वादा है। तो जिन्होंने फॉर्म भरा है तैयार रहना, ठीक है? क्योंकि हम लोग को इस साल एनी हाउ जॉब लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत ही शानदार, एक बार देख ले जरा हम सभी लोगों से। उन्रला दास बेटा, प्रकृति अग्रवाल, कुंदन बेटा, श्वेता, हितेश, सुदीप्ता, कुंदन, अदिति, ज्योतिका दास, सभी लोग, उपासना बोस, एंड वेरी नाइस ऑल मेंबर, बहुत ही शानदार द ऑल मेंबर आर राइट। बिल्कुल याद रखना, ये कांग्रेस के बहुत फेमस नेता हुआ करते थे, ठीक है? चलो अगला। अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ई गवर्नेंस एक पोर्टल लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में। यह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, और मुझे बताओ जरा जल्दी से कि इंडियन एयरफोर्स के हेड कौन है? मुझे बता दो जरा जल्दी से, इंडियन एयरफोर्स के हेड कौन है? अब बेटा याद रखना, कोई भी आज क्वेश्चन को स्किप नहीं करेगा, ठीक है? आज कोई भी क्वेश्चंस को बेटा स्किप नहीं करेगा। मानवेंद्र सिंह, याद रखना बेटा, मानवेंद्र सिंह, याद रखना, मानवेंद्र सिंह, जो बेटा मानवेंद्र सिंह है ना, याद रखना, इंडियन एयरफोर्स के हेड बने हैं, ठीक है? बहुत ही शानदार, वेरी नाइस। वेरी नाइस, तो याद रखना, इसका जो उद्घाटन किया था उन्होंने किया था जनरल मनोज मुकुंद नरावने। यानी कि यहां तो आंसर बिल्कुल सही है, किसने लॉन्च किया तो क्या कहेंगे? जनरल मनोज मुकुंद नरावने जी ने इसको लॉन्च किया, ठीक है? वेरी नाइस। आगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आज के हैं, जरा बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना बेटा उनके लिए, खासकर एग्जाम जिनका है, ठीक है? अभी हाल ही में, रिसेंटली, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडियन आर्मी चीफ, जिनका नाम है एम एम नरावने, उन्होंने रिसीव किया है गार्ड ऑफ ऑनर। आपको बताना है वो जो गार्ड ऑफ ऑनर है
वो कौन सी कंट्री ने दिया है? यही है हमारे देश के मिस्टर एमएम नरावने जी, इन्होंने रिसीव किया है गार्ड ऑफ ऑनर। आपको बताना है कि ये जो कंट्री है कौन सी है। म्यांमार है, चाइना है, साउथ कोरिया है, जापान है, रसिया। रशिया तो लग ही नहीं सकती देखने से, क्योंकि ये कुछ ना कुछ तो वो है। बहुत ही शानदार, वेरी नाइस, बहुत ही शानदार, वेरी गुड। तो याद रखना इसका जो आंसर होगा, वो आंसर होगा हमारा 3, दक्षिण कोरिया इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत ही शानदार। अगला, अभी हाल ही में हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, पता होगा आपको, यूनियन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने लॉन्च किया है कहीं पर एक मिस कॉल फैसिलिटी, यानी बस आप मिस कॉल देंगे और आपके घर में एलपीजी सिलेंडर पहुंच जाएगा। इस फैसिलिटी को कहां पे लॉन्च किया गया मुझे बताओ। वेरी नाइस भाई, जहां के होंगे वहीं तो लॉन्च करेंगे कहते हैं, तो लॉन्च करेंगे कहां पर बेटा? ये इन्होंने लॉन्च किया भुवनेश्वर में, और कहते हैं इसे कस्टमर केयर में कभी पूछेगा नहीं मिस कॉल। इसे कहते हैं करीब 13 करोड़ लोगों को इसका बेनिफिट होगा। ओके, बहुत ही शानदार, वेरी नाइस, बहुत ही शानदार, वेरी नाइस, बहुत ही शानदार। अच्छा मुझे बता दो जरा जल्दी से, ऐसा कौन सा स्टेट है, ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर सभी घरों में एलपीजी कनेक्शन दिया जा चुका है, यानी कि 100% घरों में एलपीजी है, वो स्टेट कौन सा है मुझे बताओ जरा जल्दी से। वेरी नाइस ऑल द मेंबर, ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर 100% गैस कनेक्शन दिया जा चुका है, आप मुझे बता देना, ठीक है? चलिए, वो स्टेट हिमाचल प्रदेश है, ठीक है? अगला, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज बिन कोलैबोरेटिंग विथ सेल्स फोर्स टू बिल्ड नेक्स्ट जनरेशन टेक प्लेटफॉर्म फॉर रिटेल बैंकिंग। हाल में ही निम्नलिखित में से कौन सा बैंक खुदरा बैंकिंग के लिए अगली पीढ़ी के टेक प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए सेल्स फोर्स के साथ सहयोग कर रहा है, उसका नाम क्या है? यस बैंक इज द राइट आंसर, ICICI बैंक इज द राइट आंसर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर, बैंक ऑफ बड़ौदा इज द राइट आंसर, या PNB इज द राइट आंसर। मुझे यहाँ पे 3 क्वेश्चन और बता दीजिए, मुझे बताइए जरा, सबसे पहले इनमें से किस बैंक ने युवा ऐप को लॉन्च किया, पहला क्वेश्चन यही ऑप्शन है। इसमें से किन बैंकों ने मुझे बताओ जरा जल्दी से डिजिटल को अपनाने के लिए कैंपेन स्टार्ट किया, तीसरा इसमें से ही कौन है जिसने नाबार्ड के साथ मिलके कहा कि हम माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए लोन देंगे, इसमें से ही कौन सा ऑप्शन है जो बताओ मुझे, एक रिपोर्ट आई थी ईज रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 का टॉप बैंक घोषित हुआ, मुझे बताओ जरा जल्दी से। ऑप्शन आर सेम बट ऑप्शंस आर सेम, तो पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो याद रखना अभी हाल ही में इस क्वेश्चन का आंसर होगा यस बैंक के साथ कोलोबरेट किया गया है, ठीक है? पहला चीज हो गया। अब जरा याद रखना, मैंने पूछा था ना कि युवा ऐप, तो याद रखना जो यस बैंक है वो इसने ही युवा एक ऐप लॉन्च किया था, ठीक है? जो डिजिटल बैंक अपना ये किसने स्टार्ट किया, उसका नाम है बेटा PNB ने, बिल्कुल ठीक है। नाबार्ड और MSME के साथ मिलके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, याद रखिएगा, गुजरात स्टेट में 3 समझौते पर साइन किए थे। और इस रिपोर्ट की बात अगर करते हैं, जो कहीं ना कहीं बैंकिंग रिफॉर्म की बात करते हैं, तो याद रखना उसमें जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसने लास्ट ईयर टॉप किया है। ओके चलो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ द साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ प्लेस ऑफ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ओपन इट्स टॉय बैंक। कहाँ पर टॉय बैंक स्टार्ट किया गया है? चांदनी चौक पर, नजफगढ़ में,
निजामुद्दीन में, सरोजनी मार्केट में या कनॉट पैलेस में? हाल में ही दक्षिण दिल्ली नगर निगम में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना खिलौना बैंक खोला गया? अच्छा एक्चुअली ये भी याद रखना, जो दिल्ली का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो इंडिया का टॉप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अवार्ड भी दिया गया है, यानी कि इंडिया में इससे अच्छा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कौन सा है? कोई नहीं है, इंडिया का ये टॉप है। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन यहाँ बताओ, ऐसा कौन सा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इसका पूरे इंडिया में सबसे बड़ा बजट होता है? ऐसा कौन सा स्टेट है, ऐसा कौन सा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इसका इंडिया में सबसे बड़ा बजट होता है? यार एक बार इसको जरूर शेयर कर दो। और हाँ याद रखना बेटा, आज मंडे है तो आज मैं उनके लिए जिनका टारगेट होता है बेसिकली SSC, रेलवे एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, साथ में बैंक एज वेल एज ऑल्सो, तो उनके लिए मैं आज स्टैटिक का शो लेके आता हूँ इवनिंग में, तो जरूर मुलाकात करिए स्टैटिक में 7:30 PM पे टुडे। आज मैं धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूँ 50 नंबर का, आज शाम को मुलाकात करते हैं। ओके बहुत ही बेटा सही, वेरी नाइस, बिल्कुल सही जवाब बहुत लोगों का। पलक, अजय चौहान, हिमांशु, निधि गुप्ता, तृप्ति पंडल, शिवानी तिवारी, कुदन, अदिति, रश्मि, उनरला, अजय गौतम, जो भी लोग जुड़े हैं आज फर्स्ट टाइम उनसे मैं कहेंगा पूरा सेशन देखिए। और याद रखिएगा टू ऑल द मेंबर्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, तो काइंडली सेशन को जरूर लाइक करें। चलो ओके, द आंसर इज याद रखना नजफगढ़ में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉकेट, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉकेट इंडियन सेटेलाइट इज टू कैरी नेम ऑफ कॉमन पीपल इन स्पेस? कहते हैं हमारे देश में बहुत जल्दी हम लोग भी ऊपर जाएंगे और उस योजना का नाम है, पता होगा आपको, गगनयान। गगनयान प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग स्पेस में पीपल भी लेके जाएंगे, तो आपको कंसर्न ये है कि ऐसा कौन सा सैटेलाइट है, अभी हाल ही में किस रॉकेट द्वारा भारतीय उपग्रह को अंतरिक्ष में आम लोगों के लिए ले जाए जिसे जाएंगे, उसका नाम क्या है? GSLV C-51, PSLV से कभी कंफ्यूज ना होना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बेटा कहते हैं। ओके, तो इसका जो आंसर हो गया, याद रखना आंसर हमारा हो गया PSLV C-51। PSLV C-50, मुझे बता दो जरा जल्दी से, अभी वर्तमान में इसरो के हेड कौन है? मुझे बताओ जरा जल्दी से, अभी वर्तमान में इसरो के हेड कौन है? आप लोग बता देना चैट बॉक्स में, ठीक है। और मुझे जरा ये भी बताना, अभी हाल ही में इसरो ने कौन सी कंट्री के अमेजोनिया 1 को लेकर स्पेस में गया है सैटेलाइट को? वेरी नाइस बेटा, बहुत ही शानदार, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो अगला, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज इंडक्टेड इंडियन सबमरीन जिसका नाम है INS सिंधुवीर इनटू इट्स नेवी? हाल में ही निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय पनडुब्बी जिसका नाम है INS सिंधुवीर को अपनी सेना में शामिल किया है? जरा सोचो, उनकी फ्लीट में हमारा एयरफोर्स होगा, सॉरी हमारे नेवी के जहाज होंगे। वेरी नेटवर्क, के शिवम इज द राइट आंसर। और हाँ, ब्राजील के सैटेलाइट 1 को लेके हमारी स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था, वेरी नाइस। म्यांमार ने, याद रखना, INS सिंधुवीर को अपने नेवी में शामिल कर लिया है। अच्छा मुझे बताओ, अभी हाल ही में ऐसा कौन सा मिसाइल है, अभी हाल ही में कौन सा मिसाइल है जिसको कहा गया कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हो? मुझे बताओ ऐसा कौन सा मिसाइल है जिसको अभी हाल ही में कहा गया आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, जो पूरी तरीके से भारतीय है? और मुझे जरा ये भी बताओ जल्दी से, उसकी रेंज कितनी है? मुझे बताओ जरा जल्दी से उसकी बेटा रेंज कितनी है? बेटा वेरी नाइस, बेबी चंचला चौन, वेरी नाइस। तो याद रखना, आकाश को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो आकाश पूरी तरीके से इंडिजेनस है, नंबर वन। और दूसरा याद रखना, इसकी जो रेंज है वो 25 किलोमीटर की रेंज है। ओके वेरी नाइस बेटा, बहुत ही शानदार, वेरी गुड। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने हैज रिमूव कर दिया है द बैन ऑन विच प्रोडक्ट जिनको हम हमारे देश में अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम 1 जनवरी से? पोटैटो, सुगर, ओनियन, टोमेटो या वे? अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2021 से किस उत्पाद के निर्यात पर प्रतिबंध को हटा दिया? अच्छा याद रखना,
हमारे देश में जो फास्टैग नहीं होता है, जो गाड़ियों पे हाईवे पे टूल टाका नहीं रुकना नहीं होगा आपको, निकल जाएंगे फास्टैग, वो भी अनिवार्य किया था कब से, 1 जनवरी 2021 से, वो भी याद रखना। वेरी नाइस, द आंसर इज कॉल्ड ओनियन, यानी कि प्याज एक ऐसी चीज है दोस्तों, याद रखना, प्याज पे तो सरकार भी गिरी है, प्याज पे तो सरकार भी गिरी है जल्दी से। अच्छा एक रैपिड फायर जरा बताओ मुझे जल्दी से, देखें किसको किसको डेट्स याद है, मुझे बताओ जरा जल्दी से, सभी मुझे बताओ 8 मार्च को क्या मनाते हैं, बहुत आसान, 15 मार्च को मुझे बताओ जल्दी से क्या मनाते हैं, मुझे बताओ जल्दी से 22 मार्च को क्या मनाते हैं, मुझे बताओ 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, मुझे बताओ 10 जनवरी को क्या मनाते हैं, मुझे बताओ 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, मुझे बताओ जल्दी से, मुझे देखना है कि छो किसका सही होता है। मुझे बताओ जल्दी से किसका छो मुझे देखना है सही होता है, 8 मार्च, 15 मार्च, 22 मार्च, 9 जनवरी, 10 जनवरी या 22 जनवरी, व्हाट इज द राइट आंसर। वेरी नाइस, 8 मार्च का तो आंसर बिल्कुल सही होगा, गलत होने का कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है, 15 भी आ गया, 9 भी आ गया, 22 भी आ गया, ठीक है, ओके, अभी तक 10 नहीं आया है। अभी तक बेटा 10 जनवरी नहीं आई है। विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को, और देश के लिए मनाते हैं कब, 14 सितंबर को, और 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, ठीक है। चलो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिसीजन टू एबॉलिश द टैम्पोन टैक्स, किस कंट्री ने कहा है कि टैम्पोन टैक्स नहीं लगाए, जो नई सैनिटरी पैड्स होते हैं गर्ल्स और बहुत सारे बॉयज़, मतलब बच्चों के डायपर्स, बट वो जो सैनिटरी होती है उस पर टैक्स लगता था, उस पर टैक्स नहीं लगाए, कि कौन सी कंट्री ने भी हाल ही में डिसीजन लिया। चंद्रकेश रावण जी, वेरी, राणा जी गुड मॉर्निंग भाई, नमस्ते गुरु जी, नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते, आप हाथरस से हैं तो मैं इंडिया से हूँ, थैंक यू थैंक यू, ओके। तो याद रखना, अभी हाल ही में बैन किया है यूके ने, यूके में बैन है, इंडिया में बैन है, ऑस्ट्रेलिया में बैन है, यहाँ पर टैक्स नहीं लगता है, दिस इज नोन एज द टैम्पोन टैक्स, ठीक है। अगला, अभी हाल ही में कौन से स्टेट ने कहा है कि हम अपने किसानों के लिए किसान फसल राहत योजना के तहत करीब 50,000 रुपीज़ का उनको मुआवजा देंगे, वह स्टेट कौन सा है, मैं हिंट दे रहा हूँ, किसी ने कहा था कि उस स्टेट से ही आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। वेरी नाइस बेटा, बहुत ही शानदार, वेरी गुड, बिल्कुल याद रखना, उस स्टेट का नाम है बेटा झारखंड, इज द राइट आंसर, यानी कि झारखंड के किसानों को सरकार 50,000 रुपीज का मुआवजा देगी अंडर द किसान फसल राहत योजना, ठीक है। बहुत आसान है, हु डेडिकेटेड द कोची मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन टू द नेशन, मुझे बता दो इसकी टोटल लेंथ कितनी है, जो गैस पाइपलाइन बिछेगी कुछ कुछ किलोमीटर में तो बिछेगी ही, उसके मुझे बता दो जरा जल्दी से लेंथ भी क्या है, और उद्घाटन किसने किया था, उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने, मुझे बताओ जरा जल्दी से, व्हाट इज द राइट आंसर, व्हाट इज द राइट आंसर, वॉट इज द राइट आंसर, हेमंत सोरेन वहां पे हैं मुख्यमंत्री ना बेटा, गलत नहीं, पीयूष गोयल नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था, 850 किलोमीटर में टोटल लेंथ है, ठीक है। अगला, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज इशू द इलेक्ट्रॉल बॉन्ड एज ऑन दिसंबर 2020, हाल में ही निम्नलिखित में से किस बैंक ने दिसंबर 2020 तक चुनावी बॉन्ड जारी किया है, यस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा, वॉट इज द राइट आंसर, मुझे बताओ जरा जल्दी से, वॉट इज द राइट आंसर, तो याद रखना
नमो नमो निक नेम, ठीक है। द आंसर इज कॉल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड जारी किया है, मार्केट से पैसा रेज किया है। हु हैज रिलीज द रिपोर्ट ऑन ट्रेल, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। हु हैज रिलीज द रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 1920, मतलब कहने का हमारे देश में जो बैंक है उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। गॉट इट? तो ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट को कौन जारी करता है इंडिया में, और इसी वजह से मुझे ये भी बताओ इस रिपोर्ट को अगर मैं पूछूं कि वर्ल्ड में कौन जारी करता है तो उसका आंसर क्या होगा। यानी आपको बताना है दो क्वेश्चन, इंडिया में कौन जारी करता है और आपको बताना है वर्ल्ड में कौन जारी करता है। गॉट इट एवरीवन? पहली चीज मुझे ये भी बता देना वर्ल्ड बैंक में अभी कितने मेंबर हैं। तो ये तो आसान है, 189 मेंबर हैं, ठीक है। याद रखना अगर मैं पूछूं वर्ल्ड की, अच्छा मुझे बताओ जरा जल्दी से ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट, मुझे बताओ जरा जल्दी से इनमें से ऐसी कौन सी एजेंसी है जो रिलीज करती है। ऑप्शन यही है इनमें से, ऐसा नहीं इसमें ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन और मान लेना, उसका नाम है IMF। याद रखना जब भी कभी पूछे आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है तो आंसर हमारा होगा IMF। जब भी बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की तो आंसर हमारा होगा वर्ल्ड बैंक। और हमारे यहाँ कौन सा आंसर होगा, तो हमारे आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब मुझे जरा बताओ अभी तक किसके ऐसे क्वेश्चन है जो सारे क्वेश्चन सही हुए, मुझे बताओ है कि नहीं। कोई आज का योद्धा बाहुबली आज का कौन है मुझे बताओ जरा जल्दी से, जिनके सारे क्वेश्चन अभी तक सही हुए हैं मुझे बताओ जरा सही से बताना। भगवान देख रहा, झूठ बोलना पाप है और नदी किनारे सांप है, बाकी तो तुम समझदार हो ही तो झूठ मत बोलना। जिनके सारे क्वेश्चन अभी तक सही हुए हैं मुझे बताओ जरा, उस बाहुबली का नाम क्या है, कोई है भी कि नहीं। ओ माय गॉड, आ तो मतलब परफॉर्म में हो गुंदन तुम तो, वेरी नाइस वेरी नाइस स्वाति बेटा, वेरी नाइस बेटा अंडरला दास, वेरी गुड रश्मि, वेरी नाइस बेटा, बहुत ही शानदार कोमल, वेरी नाइस। यानी आज बाहुबली बहुत हैं। चलिए आंसर इसका क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला, नेशनल मेट्रोलॉजिकल कॉन्क्लेव की उद्घाटन किसने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने किया, जो हमारे पीयूष गोयल जी हैं उन्होंने किया, धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया, ये इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव में उद्घाटन किसने किया, तो याद रखना बेटा ये बहुत फेमस है, ये उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी। याद रखना बहुत उद्घाटन किए हैं। अच्छा मैं सोच रहा हूँ सेशन लेके आ जाऊँ थोड़ा सा 10 मिनट का, मैं डालूंगा कि इस 5 महीनों में मोदी जी ने क्या क्या उद्घाटन किया, सही रहेगा कि नहीं, सारा याद कर लो एक बार में। चलिए याद रखना एज ए पार्ट ऑफ दिस कॉन्क्लेव PM नरेंद्र मोदी ऑल्सो डेडिकेटेड नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल एंड भारतीय निर्देशक द्रव्य टू द नेशन एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द नेशनल एनवायरमेंटल सॉरी स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी। ओके चलो इतने, ये आज का इजी क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये आज का याद रखना इजी क्वेश्चन ऑफ द डे है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च फॉर्म मॉर्निंग कंसल्ट, एक रिसर्च फॉर्म है मॉर्निंग कंसल्ट, आपको बताना है हु इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड, जिनपिंग साहब चाइना, पुतिन साहब रसिया, ट्रम्प साहब थे कभी चले गए, योशी हाइड सुगा जापान के PM एंड माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के PM है, किनको दुनिया का मोस्ट पावरफुल लीडर का दर्जा दिया गया, मुझे बताओ जरा जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार, वेरी नाइस, बहुत ही शानदार। एक ने तो लिख दिया दामोदर दास, वेरी नाइस। तो आंसर इज एक ही तो है, शेर नरेंद्र मोदी।
अगला शेर तो एक ही है भाई, ये तो मानो। रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया हैज लॉन्च फ्लैश फ्लूड गाइडेंस सर्विस। मतलब सुना होगा आपने, सुनामी आ गया, कुछ भी बाढ़ आ गया, तो बहुत जल्दी से आपकी हेल्प मिलेगी, आपको पहले से ही आगाह कर दिया जाएगा। ये जो सर्विसेज हैं हमारे इंडिया में तो है ही है, हम कहाँ पर देना स्टार्ट कर दिए हैं, किस पड़ोसी मुल्क में, श्रीलंका या बांग्लादेश या भूटान या नेपाल या इनमें से कोई नहीं। वॉट इज द राइट आंसर, मुझे बताओ जरा जल्दी से। हाँ यति सिन्हा ने सही बोला, इनके नाम पे देश का सबसे बड़ा स्टेडियम भी रख दिया गया, मोंटेरा स्टेडियम का नामकरण कर दिया गया प्रधानमंत्री मोदी जी स्टेडियम। हमेशा पहली बार सुना है कि जन्म जिंदा रहने पे ही नामकरण कर दिया गया है, तो याद रखना ये सारे कंट्री में इंडिया हेल्प करेगी, किसके लिए, फ्लूड फूड गाइडेंस के लिए, ठीक है। श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान या नेपाल, यानी कि इन सारी कंट्रीज में कुछ भी प्रॉब्लम आएगी रिलेटेड टू द डिजास्टर, फ्लड, बाढ़, तो सरकार हेल्प करेगी, ठीक है, याद रखना टू एवरीबॉडी। नहीं ममता बनर्जी का नाम नहीं करण नहीं है, ममता दीदी नो कमेंट, नो कमेंट, लड़ाई हो जाएगी, नो कमेंट। वेरी फेमस चेहरा, चेहरा देखिए, बड़ी प्यारी है, बहुत प्यारी है, ये यूएसए की स्पीकर है। आपको पता नहीं इनका नाम क्या, इनका नाम क्या कमला हैरिस है, इनका नाम क्या नैन्सी पेलोसी है, या इनका नाम क्या नीमा कुलकर्णी है, या इनका नाम जेनिफर राजकुमार है, या इनमें से कोई नहीं। हाल में ही यूएसए में निम्नलिखित में से किसे सदन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अच्छा मुझे बताओ कि अमेरिका का जो पार्लियामेंट है उसका नाम मुझे बता दो जल्दी से। अब मुझे बताओ जैसे यहाँ पे नहीं 273 सीट्स होती हैं, फाइट होती हैं एमपी की, तो वहाँ पर कितनी सीट्स के लिए चुनाव होते हैं मुझे बता दो। टोटल हाउ मेनी सीट्स इन सीनेट मुझे बताओ जरा जल्दी से। व्हाट इज द राइट आंसर, व्हाट इज द बेटर राइट आंसर। आन बान शान की लड़ाई है, याद रखना आन मां बेटा शान की लड़ाई है आज। और हां जिन्होंने लास्ट सेशन में दिया था सही सही जवाब कमेंट सेक्शन में, आज उनके टॉप 5 नेम आज सामने देखिएगा, पूरा भारत आपको देखेगा, बहुत जल्दी, बस वेट करो। बेटा गॉर्जियस नहीं, याद करो नाम, भावनाओं की कद्र करो, कृपया बहके ना फोटो देख के, फोकस करें एग्जाम पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कृपया फोटो देख के बहके ने, जनहित में जारी। तो याद रखना इनका नाम है नैन्सी पेलोसी, और जो कमला हैरिस के हैं इंडिया की नहीं सॉरी यूएसए की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जिनका नाम है कमला हैरिस, याद होगा सभी लोगों को, ठीक है। रिसेंटली राघवेंद्र सिंह चौहान हैज बिन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अभी हाल ही में राघवेंद्र सिंह चौहान को कौन से स्टेट के चीफ जस्टिस बनाया गया है, महाराष्ट्र, केरला, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या गोवा। व्हाट इज द बेटर राइट आंसर। बेटा याद रखना जो सीनेट है वो टोटल वहां पर होता है सीनेट कहते हैं, और हर सीनेट की बात करें तो वहां पे टोटल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं 50 हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में 2 सीटें, टोटल कितनी सीटें वहां पर हो गई, 100 सीटें हो गई, ठीक है। वेरी नाइस, बहुत ही शानदार। अच्छा हाँ जो भी लोग देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ सभी लोगों को आज का शाम का सेशन जरूर देखना, आज मुलाकात होगी 7:30 पे महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे पीएम पे, जो मैं लेके आ रहा हूँ स्टैटिक का जादू, और याद रखना मैं कराऊंगा उसमें स्टैटिक, तो सभी लोगों को बता देना भाई, गाइड कर देना, शेयर कर देना, ये जिम्मेदारी आपकी, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, इतना तो तुम्हारा बनता ही है करना, इतना तो कर ही दोगे ना। कहाँ के ये हाई कोर्ट के जज हैं बताओ मुझे जल्दी से। तो याद रखना ये जज बने हैं कहाँ के, उत्तराखंड, जहां के अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने रिजाइन दिया, तो मुझे बताओ जल्दी से जो मुख्यमंत्री पहले था उनका नाम क्या है, और अभी जो बने मुझे बताओ उनका भी नाम क्या है, मुझे बताओ जरा जल्दी से। व्हाट इज द दोनों मुख्यमंत्री के नाम क्या है। तीरथ सिंह रावत जी नए सीएम हैं, तीरथ सिंह रावत नए सीएम हैं, अब पुराने कौन है बताऊंगा नहीं, पता होना चाहिए, बड़ा आसान है। बेटा आद्या सिंह,
एमटीएस में पूछेगा गारंटी, तैयार रहना, आज मुलाकात कर लेना शाम को। ओके, त्रिवेंद्र नए हैं, पुराने कौन थे? नहीं पुराने नहीं, नए नए तो तीरा था, पुराने त्रिवेंद्र जी थे। ठीक है, वेरी नाइस। अगला, ध्यान से बनाने क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? ध्यान से, कहते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में इनमें से किनको नियुक्त किया गया है? याद रखना, टोटल जो मेंबर होते हैं ना सिक्योरिटी काउंसिल में, वो होते हैं बेटा 15। कितने होते हैं? 15 मेंबर। तो याद रखना, इस 15 मेंबर में जो फिक्स्ड होते हैं, जो हिलेंगे नहीं, एक बार भूचाल भी आ जाए तो हिलेंगे नहीं दोस्तों, वो फिक्स में कौन कौन, जैसे चाइना, यूके, रसिया, जर्मनी, अमेरिका, तो पांच तो फिक्स हैं। जो 10 है ना, याद रखना, जो 10 मेंबर हैं वो फिक्स नहीं होते, वो हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो ये जो अगला भी टर्म स्टार्ट हुआ है ना 2021 से लेकर 23 तक के लिए, तो इन 2 सालों के लिए इनमें से ऐसा कौन सा मेंबर हैं जो बने हैं नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? बेटा सीनेट, प्रिया यादव जी, सीनेट कहते हैं वहां पर, कांग्रेस कहते हैं, पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं वहां पर। ठीक है, और सीनेट वहां के उसको, जैसे यहां बेटा नहीं लोकसभा है, राज्यसभा। तो याद रखना, इंडिया को भी बनाया गया है, आयरलैंड भी बना है, केनिया भी बना है, इन सभी को याद रखना 2 सालों के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में बनाया गया है। कहां पर? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर, याद रहेगा सभी लोगों को। ओके, वेरी नाइस बेटा, पॉलिटिकल अफेयर्स। अच्छा देखो, हम लोग के सेशन को पॉलिटिकल अफेयर्स बाय सुपन भी देख रहे हैं, दोनों लोग देख रहे हैं, वेरी नाइस। यस बेटा प्रिया, बिल्कुल। ओके चलो, अगला। अकॉर्डिंग टू द यूनिसेफ, ध्यान से, अकॉर्डिंग टू द यूनिसेफ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ओ माई गॉड, रिकॉर्ड हाइएस्ट नंबर ऑफ बेबीज बोर्न ऑन ईयर डे? दुनिया में सबसे ज्यादा नववर्ष के दिन बच्चे कहाँ पैदा हुए थे, उस कंट्री का नाम क्या है? ये कोई सम्मान की बात नहीं है, उस कंट्री का नाम दोस्त याद रखना इंडिया है। क्या नाम है? इंडिया। चाइना नहीं हो सकती, चाइना बड़ा संतुलित तो बन गई आजकल। ठीक है, हम लोग नाम कमाते हैं, चिंता नहीं करो, हम लोग नाम कमाते हैं। नेक्स्ट वन, ठीक है बेटा। अंकित रैक्स जी, बिल्कुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जो भी डाउट है वहां पूछिए, मोस्ट वेलकम, उस ग्रुप में बड़े ही एक्टिव मेंबर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज पार्टनर विद रिलायंस जियो टू प्रोवाइड 5G सोल्यूशन टू द वर्ल्ड? हाल में ही निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया को 5G समाधान प्रदान करने के लिए रिलायंस जियो के साथ भागीदारी की है, उसका नाम क्या है? TCS नाम है, विप्रो हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, HCL टेक हो गया, इनमें से कोई? तो याद रखना, रिलायंस के साथ महिंद्रा ने कोलैबोरेट कर लिया है, टेक महिंद्रा, महिंद्रा महिंद्रा। ठीक है, अगला। सुपर ऐप नामक एक ऐप कौन सी कंपनी इनमें से लॉन्च कर रही है, जिसमें सारे ऐप समाये रहेंगे, उस कंपनी का नाम क्या है? टाटा डिजिटल ने लॉन्च किया है, रिलायंस जियो ने लॉन्च किया है, रिलायंस फेसबुक ने लॉन्च किया है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, किसने लॉन्च किया है? याद रखना सुपर ऐप, याद रखना वो कोई बहुत बहुत फेमस कंपनी है दोस्त, याद रखना उसका नाम है टाटा। किसने लॉन्च किया है? टाटा ने। वेरी नाइस, वेरी शानदार। देखिए चित्र दिख रहा होगा आपको, हु हैज री इलेक्टेड। अच्छा, साउथ अफ्रीका के जो लोग होते हैं, ये तो काले हो भाई, अफ्रीकन कंट्री में काले तो होते हैं पता ही है, लेकिन देखा होगा बड़े उदास भी रहते हैं, लग रहा है कि उनको इतना दुख है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हु हैज री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक? फॉस्टिन ऑरेंचो टोडेरा, आबिद अहमद अली, स्कॉट मैरिसन, नहीं होंगे, ऑस्ट्रेलिया के हैं, सेवकैथ मिर्जोई, या इनमें से कोई नहीं। हाल में ही मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, उनका नाम क्या है? है ना, आंसर क्या है? तो याद रखना उनका नाम हमारा क्या है, उनका नाम है, बड़ा प्यारा सा नाम है, देखो बहुत प्यारा सा नाम है, इतना नाम अच्छा नाम होता नहीं कभी दुनिया में किसी का, याद रखना। फॉस्टिन, ठीक है, आर्कवेज एंड तोडेरा, फॉस्टिन आर्कवेज तोडेरा, फॉस्टिन जहा बहुत नाराज हैं, फॉस्टिन साहब
बहुत नाराज हैं, याद रखना, ठीक है? वेरी नाइस। उद्योग मंथन, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए उद्योग मंथन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेट, यानी कि ये जो उद्योग मंथन है पता होगा दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था, तो ये ऑर्गेनाइज कब से कब हुआ था, तो याद रखना ये ऑर्गेनाइज हुआ था 4 जनवरी से लेकर 2 मार्च तक का उद्योग मंथन इन दिल्ली में बेटा, ठीक है? अगला बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, गलती मत करना। एडीबी जिसको हम लोग कहते हैं ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसमें वर्तमान में 68 मेंबर हैं, कितने मेंबर हैं, 68 मेंबर हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई, तो याद रखना ये मनीला में है, ठीक है? तो इसने हाल ही में पावर डिस्ट्रीब्यूशन को सही करने के लिए बेंगलुरु को कितना पैसा उधार दिया है? मुझे बताओ, 1,000 मिलियन डॉलर, 500 मिलियन डॉलर, 600 मिलियन डॉलर, 100 मिलियन डॉलर या 200 मिलियन डॉलर? व्हाट इज द राइट आंसर, मुझे बताओ। और मुझे बताओ जरा सही में कि एडीबी के जो वर्तमान में चेयरमैन, उनका नाम क्या है? जापान के हिंट दे रहा हूं, मैंने कराया है एडीबी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है। अच्छा, आप लोगों ने वो सेशन देखा था जो मैंने लेके मैं कराया था ऑर्गेनाइजेशन पर, लाइक IMF के बारे में, WTO के बारे में, UNO के बारे में मैंने कराया था ना, उसमें मैंने सब बताया था डिटेल में आके। चंदकेश बेटा, शिवम तिवारी, हाँ भाई कोलो, बताओ अंकित रैक्स को टेलीग्राम चैनल, इतना नहीं बना, बताओ, बता दो जल्दी से भाई कोलो। वैसे आप सर्च करोगे ना अंकित, एट द रेट राजीव महिंद्रा जी है, जुड़ जाओगे, एट द रेट राजीव महिंद्रा जी है, बड़ा प्यारा सा चैनल है राजीव, बहुत मेहनत करवाते तुम लोग, इतना नहीं कर सकते थे, महेंद्राज जी यही चैनल है, ठीक है? वेरी नाइस बेटा। मसाताकु असाकावा, मसाताकु असाकावा, मसाताकु असाकावा जापान से रिलेटेड है, वो एडीबी के चेयरमैन है, ठीक है? वेरी नाइस। 100 मिलियन डॉलर दिया एडीबी ने, किसको दिया, बेंगलोर को दिया, किसके लिए दिया, बिजली के लिए दिया, ठीक है? अगला, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने भी हाल ही में दिया है डिविडेंड, मिला है उनको, हाउ मच BEM अमाउंट, हैंड ओवर डिविडेंड ऑफ रुपीज हाउ मच करोड़ टू द रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, तो बेटा याद रखना 5.624 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट हुआ होगा। जब भी किसी कंपनी को होता है प्रॉफिट, उस कंपनी का जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको वो कंपनी देती है क्या, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, उस हिस्से को क्या कहते हैं, शेयर, सॉरी डिविडेंड कहते हैं, क्या कहते हैं, लाभांश। यानी कि जब किसी कंपनी को होगा प्रॉफिट और उस कंपनी का जो शेयर होल्डर होगा उसको वो देगा कुछ ना कुछ, देगा प्रॉफिट का हिस्सा, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, डिविडेंड। ओके, याद होगा बेटा, जैसे ही याद रखना, जैसे RBI का मालिक कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मालिक कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो जब प्रॉफिट होगा आरबीआई को तो किसको देगा, सिर्फ को देगा सरकार को, तो ये जो देगा दिस इज कॉल्ड बेटा डिविडेंड, ठीक है? अगला, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द कॉमन हाई कोर्ट, यानी सोचना, जम्मू कश्मीर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो हाई कोर्ट के जज होंगे कॉमन, क्योंकि जज भी कोर्ट भी एक ही है, उस जज का नाम क्या है, मनोज सिंह, गिरीशचंद्र मुर्मू, पंकज मित्तल या संजय कोठारी या RK माथुर, व्हाट इज द बेटर राइट आंसर, मुझे बताओ। तो याद रखना मनोज सिंह बेटा वहां के गवर्नर हैं, मुर्मू साहब कभी गवर्नर हुआ करते थे, अभी वर्तमान में सेवा दे रहे हैं बेटा कैग में। जो पंकज मित्तल है याद रखना, वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों जगह के क्या हो गए हैं, मुख्य न्यायाधीश। अगला, कौन सी कंट्री ने एक नियम पास किया कि मलाला यूसुफ जाई स्कॉलरशिप के तहत हम लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को क्या देंगे, स्कॉलरशिप देंगे, उस कंट्री का नाम क्या है, जापान, पाकिस्तान, USA, इंडिया या इंग्लैंड? हाल में ही निम्नलिखित में से किस देश ने मलाला यूसुफ जाई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया है, तो एक ही कंट्री तो होगी, उस कंट्री का नाम है अमेरिका। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज नॉन, ये क्वेश्चन शायद हो गया था ना, ये रिपीट हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, अकॉर्डिंग टू द, नहीं ये भी रिपीट हो गया है। अगला,
सॉरी, दो क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, इंस्टेंटली सॉरी फ्रॉम माई साइड. विथ विच ऑफ द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डिड नीति आयोग कोलैबोरेटेड टू रिवैम्प द वोमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, यानी कि कौन सी कंपनी के साथ नीति आयोग ने एक MOU किया है कि आप महिलाओं को थोड़ा अपलिफ्ट करिए. Amazon India, Shopify, Flipkart, Nykaa या Myntra. Amazon India, Shopify, Flipkart, Nykaa या Myntra. तो याद रखना जो आंसर बेटा होगा उसका आंसर हमारा होगा Flipkart इज द राइट आंसर. ओके, अगला, कौन से हॉस्पिटल को मिला है इस साल का लगातार तीसरी बार कायाकल्प अवार्ड फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर, यानी कि सबसे सफाई वाला हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल इंडिया में कौन है, उसका नाम क्या है. याद रखना इसमें 5 करोड़ की इनामी राशि भी दी गई है बेटा, याद रखना ये प्राइज मनी दी गई है. और इसी में एक अवार्ड हुआ है कि जो दिल्ली का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, याद रखना DMC, वो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा टॉप है, यानी कि सबसे ज्यादा. देखो दिख रहा होगा ना, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर, यह पूरे इंडिया में सबसे अच्छा एम्स है जिसको मिला है इस बार का क्या, कायाकल्प अवार्ड. ओके, अगला, एज पर द डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 बाय टफ्ट यूनिवर्सिटी फ्लेचर स्कूल, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ब्रेकआउट इकोनॉमी, मतलब जिस कंट्री में जो इकोनॉमी है वहां बहुत प्रमोट होता है क्या डिजिटल, वो इकोनॉमी कौन है, जिस इकोनॉमी में इकोनॉमी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है डिजिटल पेमेंट को लेकर, वो इकोनॉमी कौन है, उसमें इंडिया का रैंकिंग क्या है. तो याद रखना उसमें जो इंडिया का रैंकिंग है बेटा डी नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे है. और याद रखना जो सिंगापुर है वह इस रिपोर्ट में टॉप पर है. अगला, चित्र देख रहे होंगे, इनका नाम है साइदर जारो, इन्होंने भी हाल ही में कौन सी कंट्री के बने हैं ये नए राष्ट्रपति, सादिर जबरोप ने किस देश का, हाँ बेटा गुजरात में बन रहा है और राजकोट में बेटा बन रहा, याद रखना इतनी सेना. सादिर जबरोप ने अभी हाल ही में किस देश का जो राष्ट्रपति है चुनाव जीता है, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान या तुर्कमेनिस्तान. बड़े ही प्यारे व्यक्ति हैं, इनका निधन हुआ यार, इन्होंने ये बेसिकली रहने वाले भुवनेश्वर के हैं जिनका नाम है डी प्रकाश राव कहते हैं. इन्होंने बहुत सारे स्लम बच्चों को पालन पोषण किया है, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था और इनका भी हाल ही में निधन हो गया. तो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने पूरा जो राजकीय सम्मान से इनको इनकी जो श्रद्धांजलि अर्पित की है. और आपको बताना है यह बेसिकली क्या थे, तो भाई ये साइंटिस्ट तो नहीं हो सकते हैं, ये सोशल एक्टिविटीज थे, याद रखना, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है. ठीक है, ओके, याद रहेगा सभी लोगों को डॉक्टर प्रकाश राव जी जो उड़ीसा के थे, बेसिकली साइंटिस्ट नहीं थे, सोशल वर्कर थे जिन्होंने बहुत सारे स्लम बच्चों को आगे बढ़ने में सपोर्ट किया है और इसीलिए इनको मिला था पद्म विभूषण का सम्मान. हु अमोंग द फॉलोइंग विल बी हेड हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजरी कमिटी बाय एडा. अच्छा, अभी हाल ही में एडा ने एक कमेटी बनाई है जिसका नाम है हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजरी, जिसे इंडिया में एडवाइस देगी कि कौन सा और कैसा इंश्योरेंस लेने से आपको बेनिफिट होगा. तो उस कमेटी के हेड कौन है, सुभाष चंद कुंटिया जी उनके हेड हैं, नचिकेत मोरे जी हेड हैं, ए के चंद जी हेड हैं या बी के मोहंती जी हेड हैं या के हरी प्रसाद उनके हेड हैं, वॉट इज द बेटर राइट आंसर. तो याद होगा दो चीजें यहां पर याद रखना, इरेडा के जो हेड भी हैं वो सुभाष चंद कुंटिया ही जी हैं, यानी कि इरेडा के जो हेड हैं वो सुभाष चंद कुंटिया ही हैं और जो कमेटी बनी उसके भी हेड कुंटिया ही. मुझे बताओ जरा जल्दी से इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि इरेडा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुझे बताओ जरा जल्दी से कि इरेडा का हेडक्वार्टर बेटा कहाँ पर है. बेटा वेरी नाइस, निधि, कुंदन, कविता, ज्योतिका, हितेश, रश्मि, प्रिया यादव, अदिति बेटा, वेरी नाइस.
और हाँ, अभी मैं अनाउंस करने वाला हूँ जो 5 योद्धा हैं जिन्होंने सही सही आंसर दिया हमारे लास्ट सेशन के। और हाँ, आज भी मैं पूछने वाला हूँ कुछ क्वेश्चन, और जिनके आंसर सही होंगे, जो जिन्होंने सबसे पहले आंसर देंगे जो हमारे कमेंट बॉक्स में वीडियो के, उनका मैं नाम बताऊंगा पूरे भारतवर्ष को। तो याद रखना बेटा, बहुत लोगों का गलत हो गया, याद रखना बहुत सही, बहुत शानदार। द राइट आंसर इज कॉल हैदराबाद इज द राइट आंसर। ओके, अब कल की कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछे थे लास्ट क्लास में, उसके देखे कि क्वेश्चन मेरा क्या था। मेरा पहला क्वेश्चन क्या था, किस बैंक को आरबीआई ने पीसीए की गाइडलाइन से हटा दिया। तो पता होगा पीसीए की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन से हटा दिया गया आईडीबीआई बैंक। अब ये आईडीबीआई बैंक अच्छा परफॉर्म करने लगा, पहला क्वेश्चन। मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि बहुत फेमस एक प्रोजेक्ट है इरिगेशन का, है ना, जिसका नाम है अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये कौन से स्टेट में है। तो याद होगा ये बेटा यूपी में चलाया जा रहा। उसके बाद पहला ऐसे इंडियन होंगे, फर्स्ट इंडियन है जिनको ये सम्मान मिला है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अचीव अवार्ड 2021। तो याद रखना ये सम्मान करने वाले भारत के पहले भारतीय हैं जिनका नाम है अमिताभ बच्चन, यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अचीव्स ने एक अवार्ड दिया। वो अवार्ड किसको मिला, अमिताभ बच्चन जी को, फॉर कंट्रीब्यूशन इन इंडियन सिनेमा एंड वर्ल्ड सिनेमा। उसके बाद ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने कहा हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इन स्पेस इन मार्च 2021 टू एवेल्युएट इट्स एबिलिटी टू डिफेंड इट्स सेटेलाइट एंड अदर डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम एन अटैक। किस देश ने अपने उपग्रहों को अनरक्षा उपकरणों की रक्षा करने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए मार्च 2021 में अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया, उसका नाम बेटा फ्रांस है। ओके, और अब जरा उनके नाम देखें जिन्होंने सबसे पहले आंसर दिया, और आंसर दिया, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो याद रखना, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द विनर्स, जिनमें पलक शुक्ला जी हैं, उसके बाद सुमेश छापराना जी हैं, प्रिया यादव जी हैं, इंदु कुमारी जी हैं, कुंदन सिंह जी हैं, ज्योतिका दास बेटा, सोमनाथ पंडित एंड बेबी चंचला चौहान, यानी कि ये वो लकी चेहरे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द मेंबर कि आपने आंसर दिया और आप हमेशा अपने को एक्टिव रखते हो। ओके, अब जरा देखिए आज के एक प्रश्न कौन है। ठीक है, रेस में दौड़ते सब हैं बट जीतता वही है जो बहुत मेहनत करता है, याद रखना। तो ठीक है, तो कोशिश ये रखना कि आज इनके नाम है, कल मेरा नाम हो, ये डेडिकेशन हो, इसी को कहते हैं वर्क हार्ड एंड गेट द सक्सेस। ओके, अब जा देखिए आज के क्वेश्चंस क्या हैं। रेडी सभी लोग भाई, सभी लोगों को रेडी, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल मेंबर हैं। ओके, एक दूसरे को मोटिवेट करिए। ठीक है, अब आज का क्वेश्चन जरा समझते हैं। पहला क्वेश्चन आज का क्या है जरा समझते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में डेडिकेट किया है टू द नेशन 7,500 जन औषधि केंद्र एंड कौन से सिटी में। ठीक है, पहला क्वेश्चन, जन औषधि केंद्र कौन से सिटी में स्टार्ट किया गया। आंसर किसी को नहीं देना है, आंसर बेटा क्या देना है, आंसर देना है आपको इस सेशन के पूरा होने के बाद इसी वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और जिनके आंसर मैं दूंगा कल टुमारो लाइव अनाउंस करूंगा अपने सेशन में। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग 2021 के नए सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यह रहा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, चाइना विल ऑपरेट बुलेट ट्रेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर क्लोज टू इंडियन बॉर्डर इन अरुणाचल प्रदेश बिफोर जुलाई दिस ईयर, यानी चीन इस साल जुलाई से पहले अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली भारतीय सीमा के नजदीक किस स्थान पर बुलेट ट्रेन का संचालन करेगा। और ऐसा कौन सा इंडियन रेस्लर है जिसने वॉन हर सेकेंड गोल्ड मेडल इन माइटियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज में जीता है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं ना, याद रखना इनके क्वेश्चंस के आंसर आपको देना इसी वीडियो के बेटा लास्ट में। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन समझ में आया होगा और बेहतर लगा होगा। ओके, और हाँ बिल्कुल, शाम को मिलते हैं बेटा 7:30 पर। कब मिलते हैं, शाम को मिलते हैं बेटा 7:30 पे आज टुडे। और हाँ, कल 11:30 में मैं लेके आ रहा हूँ रैपिड फायर, ताबड़तोड़ बैटिंग होगी, तैयार है ना। कल मैं लेके आ रहा हूँ रैपिड फायर। ओके एवरीवन, अगर सेशन पसंद आया,
इसे जरूर एक बार लाइक कर दो। और हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ सभी लोगों को, बेटा होमवर्क का आंसर जरूर देना इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? कमेंट बॉक्स में ही आपको आंसर देना है इस वीडियो का, इस होमवर्क का आंसर। और अगर पसंद आ रहा है चैनल तो जरूर इसे लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबा दिया करो, उससे फ़ायदा क्या होता है कि जो सेशन होने वाले हैं वो सेशन पता चलेंगे। ओके, तो लाइफ में हमेशा क्या करेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे। और हाँ, जब भी टेंस हो तो क्या कहोगे, जैसा भी होगा।